अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। और मेरी तरफ से भी सलाम। आज हम आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इरम ने एक यूट्यूब पे नया गाना सुना, बल्कि गाना नया तो नहीं लेकिन इरम ने अभी भी सुना है, और वो कह रही है कि मैं भी ज़रूर सुनूं क्योंकि आपको वो बहुत पसंद आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये गाना है कोई, ये टेलीनॉर के चैनल पर है, टेलीनॉर पाकिस्तान के चैनल पर है, और इसका नाम है बिठ जा बिठाई सॉन्ग लिखा हुआ है। तो फिर सुनते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमें कैसा लगा। ये बलोचिस्तान है? ये सिंध। ओ बिटा जा बिटाई बिटते वसई नूर मुझ तो पुजायू। ओ बिटा जा बिटाई बिटते वसई नूर मुझ तो पुजायू। ओ मुझ तो पुजायू मन जो उमेद मुझ तो पुजायू मन जो मुराद। ओ बिटा जा बिटाई ये कोई गांव का इलाका है। दिल में जाके लगता है। बिल्कुल, वो इतना वो ऑथेंटिक, यानी कि वो जो गाने वाला भी है ना, कोई वो यानी कि कोई आर्टिस्ट वगैरह टाइप नहीं है, बहुत रॉ और अनपॉलिश्ड। अच्छा, तो ये यहाँ के पाकिस्तान के मुख्तलिफ जुबानों से है। पहला पहला पार्ट सिंधी का था, पहले सिंधी था, अब ये बलोची। अच्छा, ये बलोची है। कितना अच्छा लग रहा है वो रात के टाइम आग लगा कर। ओ ये फोटो देख, ये पंजाबी, ये अपनी जुबान है, ये समझ आ रही है। ये पाकिस्तान के अर्थ कलर जो है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये वो मट्टी वाला रंग जो है, इससे दूसरे रंग ज्यादा नुमाया। बिल्कुल। पश्तो तो ये कहीं वो कश्मीर वगैरह है, लेकिन ये सुना था। इतना खूबसूरत है इलाका, ये पाकिस्तान है। उर्दू हमारी कौमी जुबान। पाक चाइना बॉर्डर है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पर है ये। ये क्या हो रहा है? अच्छा, सब मिल गए यहाँ पे एक जगह पर। देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, ऊपर वो बर्फ पड़ रहा है। वाह जी वाह, मुझे तो चीजें देख सकते हैं। अच्छा, एकदम तो टच हो गई है। मुझे तो बहुत पसंद आया है
इतना अच्छा गाना, उसकी सारा क्वेश्चन के सुर और जो वर्डिंग्स शायरी नीचे उर्दू में जो लिखी हुई थी, जो कुछ तो समझ आई है कुछ समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी जाके वाकई दिल को लगता है कुछ कुछ इस गाने में खास चीज थी। तो बल्कि हमने तो सारे जो सूबे मैंने तो नहीं देखे हुए, लेकिन फिर भी एक वो जो अपना अपनी फील होती है, चाहे जुबान भी अगर नहीं आती पश्तो, मुझे समझ तो नहीं आती ना सिंधी ना बलोची, लेकिन फिर भी वो अपना कल्चर लगता है, अपनी जुबान है, अपनी जुबान। मुझे भी अक्सर इस तरह लगता है कि पाकिस्तान गए तो काफ़ी देर हो गई अब, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कुछ मुझे खींच रहा अपने तरफ, तो क्योंकि जो अपना मुल्क है वो अपना मुल्क होता है, हालांकि हम यहाँ की पैदाइश हैं और यहीं पर बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत अभी तक कनेक्शन है, और जो पाकिस्तानी कल्चर और गाने और शायरी और जो कुछ भी है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे शुरू से पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कल्चर म्यूज़िक जब बहुत मैंने बचपन से मतलब सुना हुआ, एक तो अपने माँ बाप को हम सुनते थे, लेकिन उस वक्त इतना बंदा अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा खुद बड़ा होता है तो बंदे को अपनी रूट्स जो होती हैं वो आपके लिए कोई मतलब आपके लिए कोई उनमें उनकी कोई मीनिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल ढूंढते हैं अपने रूट्स को। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा था तो अम्मी और जो अबू है मेरे वो लगाते होते थे पाकिस्तानी म्यूज़िक खास तौर पे, तो शायद मुझे इतनी इंटरेस्ट तो नहीं थी क्योंकि हम ज़ाहिर है इंग्लिश कल्चर वगैरह, लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है कि मुझे यानी कि जो ये तबला और बांसुरी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ना मुझे वो अच्छा लगता था, उसमें कुछ यानी कि कोई हारमोनी सी थी, और अब भी जब भी मैं कोई वो पुराना गाना दोबारा सुनता हूँ, मेरा आप सब के लिए ऐसा ही होता होगा कि जब बंदा कोई वो पुराना गाना दोबारा सुनता है तो एकदम आप जो है ना वो यादें आपको वहीं पर ले जाती हैं बचपन में, तो मुझे लगता है आपकी वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तो वो आपके मतलब आपकी ज़्यादा वो एहसास को जगाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा होता है कभी आप एक पास किसी एक गाने का चाहे सिर्फ एक या दो सेकंड ही सुने तो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम 12 साल का हो गया हूँ, अपने बचपन वाले घर में बैठा हूँ, वो रेडियो से वो म्यूज़िक आ रहा है, तो म्यूज़िक क्या है मेरा काफ़ी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल, और पाकिस्तानी म्यूज़िक तो हमेशा मुझे बहुत पसंद रहा है, क्लासिकल म्यूज़िक भी, फोक म्यूज़िक भी, और पॉप म्यूज़िक भी पाकिस्तान का मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और आजकल मैं पाकिस्तानी रैप म्यूज़िक को भी बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो थैंक यू, आपने गाने का बताया मुझे बहुत सा, मैं इसको बार बार लगाऊंगा, मुझे भी तो मैं इसको दोबारा सुनूंगा आराम से, और फिर उसके लिरिक्स भी, और शायद जो इन आर्टिस्ट्स के शायद और भी गाने हों, तो आपको कैसा लगा? अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर और कोई गाना है जो आपको पसंद है जो आप चाहते हैं कि हम भी सुनें तो प्लीज़ हमें नोटिफाई करें, तो हम वो गाने भी ज़रूर सुनेंगे और अपने जो ख्यालात हैं उनका इज़हार करेंगे। ओके जी, थैंक यू कि आपने देखा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।